मेरठ में पुलिस की लापरवाही के चलते एक दबंग ने दारोगा के सामने जमकर गाली गलौज की है। दरअसल यहां पुलिस की लापरवाही देखी गई, जिसकी वजह से एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। दबंग प्रॉपर्टी डीलर आमोद भारद्वाज ने अपने रसूख के चलते राजन तोमर नामक व्यक्ति को पुलिस की मौजूदगी में जमकर गाली गलौज की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी तक दे डाली, जिसे युवक के परिजनों में भारी रोष है। वहीं अगर पीड़ित की बात की जाए तो उसने बताया कि जब वो केस इंचार्ज के बुलाने पर मौके पर नक्शा बनवाने गया, तब दबंग डीलर ने उसके साथ बदसलूकी की। उसका कहना है कि इससे पहले भी वो कई लोगों पर जानलेवा हमला कर चुका है। साथ ही दबंग मुकदमा वापस लेने के लिए भी पीड़ित पर लगातार दबाव बना रहा है। साथ ही उसने पीड़ित को खुलेआम चेतावनी दी है कि जैसे वो पहले कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका है, वैसे भी उसे मौत के घाट उतार देगा, नींद सुला देगा। इस पूरे मामले पर पीड़ित ने एसएसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में लिखा गया है कि मीनाक्षीपुरम निवासी राजन तोमर अपनी कार से अपने रिश्तेदार से गंगानगर में मिलने गए थे। वहीं आरोपी आमोद भारद्वाज पुत्र महेंद्र शर्मा निवासी राजेंद्रपुरम ने अपनी नोवा कार को सड़क के बीचों बीच खड़ा कर रखा था, जिससे आने जाने में परेशानी हो रही थी। जब पीड़ित राजन तोमर ने आमोद भारद्वाज के ड्राइवर को कार साइड करने को कहा तो आमोद भारद्वाज आग बबूला हो गया और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर राजन तोमर पर जानलेवा हमला कर दिया। तोमर का आरोप है कि आरोपी प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और दबंग किस्म का है। लोगों के साथ मारपीट करना उसका पेशा है, जिसके चलते 5 साल पहले भी एक डॉक्टर पर उसने जानलेवा हमला किया था और अब आमोद भारद्वाज केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। ये पूरा मामला 31 जनवरी का बताया जा रहा है। जब केस इंचार्ज ने उन्हें बुलाया और वो वैसे ही घटना स्थल पर पहुंचे तो आमोद भारद्वाज और उसके भाइयों साथियों ने उससे गाली गलौज की और धमकाते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। पीड़ित को दारोगा ने जैसे तैसे वहां से निकाला। अब सवाल यह है कि दारोगा के सामने ही जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, दबंगई दिखाई जा रही है, उसके बावजूद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है।